मुसलमान औरतों पर अश्लील चर्चा कर उनकी बोलियां लगाने वालों के बुरे दिन शुरू। बिना इजाजत मुस्लिम महिलाओं की फोटो निकालकर एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म गिटहब पर अपलोड करने और फिर उन फोटो पर प्राइस टैग लगाकर महिलाओं को नीलाम करने के मामले में FIR हो गई है। ये FIR नोएडा में रहने वाली एक महिला पायलट हना मोहसिन खान की शिकायत पर हुई है, जिनकी खुद की फोटो अपलोड की गई थी। इस प्लेटफॉर्म पर इस पूरी कवायद को सुल्ली डील्स के नाम से प्रस्तुत किया गया। सुल्ली मुस्लिम महिलाओं के प्रति प्रयोग किया जाने वाला एक अपमानजनक शब्द है। एक धर्म विशेष के प्रति नफरत में आकंठ डूबे बीमार लोग बीते काफी समय से इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को खरीदने व बेचने की वस्तु और सेक्स स्लेव की तरह पेश किया जा रहा है। द लल्लन टॉप ने इस मामले में करीब 1.5 महीने पहले एक विस्तृत रिपोर्ट की थी। बार बार शिकायतों के बाद भी पुलिस व प्रशासन इस तरह के अपराध को अंजाम देने वालों के खिलाफ अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। ये FIR नोएडा सेक्टर 24 पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। पुलिस अज्ञात अपराधी को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ गिटहब से एप्लीकेशन को हटाया जा चुका है। गिटहब एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ बीती 4 जुलाई को सुल्ली डील्स ऑफ द डे के नाम से बनाई गई एप्लीकेशन में अलग अलग मुस्लिम महिलाओं की फोटो अपलोड की गई थी। महिलाओं की फोटो को उनके सोशल मीडिया अकाउंट से निकाला गया था। जिन महिलाओं की फोटो को यहाँ अपलोड किया गया, उन्होंने बाद में ट्विटर पर आयोजित स्पेश में हिस्सा लेते हुए अपने अनुभव साझा किए थे। उन्होंने बताया था कि वे मानसिक तनाव से जूझ रही हैं। हना मोहसिन खान ने अपनी शिकायत में कहा है कि ट्विटर के जरिए उन्हें पता चला कि उनकी फोटो अपलोड की गई है। शिकायत में उन्होंने आगे कहा, मेरी और मेरी जैसी दूसरी मुस्लिम महिलाओं की फोटो इस प्लेटफॉर्म पर बिना इजाजत डाली गई, मेरी बोली लगाई गई, भद्दे कमेंट किए गए, यहाँ तक कि गैंग रेप की धमकी भी दी गई। मैंने शिकायत इसलिए की है ताकि आरोपी की पहचान सामने आए। हमें इस तरह के लोगों के खिलाफ लड़ना होगा, क्योंकि ये हमारी पहचान के ऊपर ऐसा हमला है जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं उसकी भी जानकारी मांगी है। मालीवाल ने इस मामले में FIR की कॉपी और पहचाने गए आरोपियों और उनके ऊपर की गई कार्रवाई की भी जानकारी मांगी है। इसके लिए उन्होंने पुलिस को 12 जुलाई तक का समय दिया है। इस एप्लीकेशन पर एक मुस्लिम महिला पत्रकार को भी निशाना बनाया गया। इस संबंध में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी बयान जारी किया है। गिल्ड ने अपने बयान में महिला पत्रकारों का उत्पीड़न करने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रयोग पर चिंता जताई है। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।